बीजेपी के राम के जवाब में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भगवान विष्णु की शरण ली है। उन्होंने बुधवार को ऐलान किया कि यूपी की सत्ता में आने पर वे भगवान विष्णु के नाम पर एक शहर बनवाएंगे, जिसमें कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट जैसा मंदिर भी होगा। हाल ही में राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि राज्यसभा में अभी NDA का बहुमत नहीं है, लेकिन कोई विकल्प नहीं होने और जरूरत पड़ी तो राम मंदिर निर्माण के लिए संसद में बिल भी लाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इटावा में लायन सफारी के नज़दीक करीब 2000 एकड़ जमीन पर भगवान विष्णु के नाम पर शहर बसाएंगे। चंबल घाटी में काफ़ी जमीन है, भगवान राम और भगवान कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं। विशेषज्ञों की एक टीम को कंबोडिया इसके अध्ययन के लिए भेजी जाएगी। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये पार्टी साजिशों में विश्वास करती है, जबकि हम विकास में। वे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेते हैं, जबकि हम अपने विकास कार्यों पर। प्रदेश की जनता बीजेपी से तंग आ चुकी है और उसे सत्ता से बेदखल करने का मौका तलाश रही है। 2019 में अपनी जनविरोधी नीतियों के कारण बीजेपी की हार होगी। उन्होंने अगले महीने कन्नौज से हक और सम्मान साइकिल यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। SPN 9 जुर्म से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।